केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यह एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के भाजपाइयों पर यह सटीक बैठ रहा है। अरुण गोविल को टिकट देने की घोषणा के बाद स्थानीय नेताओं के बीच सन्नाटा पसरा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी रहस्यमय खामोशी है। इक्का दुक्का पोस्ट ही अरुण गोविल को भगवान राम के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते जरूर नजर आ रही है, जबकि बाकी योद्धा चुप्पे साधे हैं। ऐसे में पार्टी संगठन के सामने अरुण गोविल के पक्ष में हवा बनाना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, वह भी तब जबकि मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और इनके मतदाताओं तक पहुंचने के लिए समय मिला है सिर्फ 1 माह। 26 अप्रैल को यहाँ चुनाव होना है। केवल कैंट विधानसभा से विधायक अमित अग्रवाल हैं और यह क्षेत्र पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, लेकिन बाकी विधानसभा क्षेत्र अरुण गोविल कैसे कवर करेंगे, यह बड़ा सवाल पार्टी नेताओं के सामने है। कभी मेरठ से रहे अरुण गोविल के टिकट की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई खास उत्साह फिलहाल नजर नहीं आया है। अरुण गोविल ने भाजपा के कुछ पदाधिकारी को मोबाइल पर होली की शुभकामनाएं जरूर दी है, लेकिन आम कार्यकर्ताओं के लिए वह अभी तक मेरठ नहीं आए हैं। बुधवार को मेरठ में हो रहे प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर आ रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि तभी अरुण गोविल भी टिकट घोषणा के बाद पहली बार मेरठ आएंगे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट का टिकट पाने के लिए भाजपाइयों की लंबी भेड़ सामने थी। बावजूद इसके सभी को दरकिनार कर पार्टी नेतृत्व ने अरुण गोविल को उपयुक्त प्रत्याशी माना। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रदेश में चल रही राम लहर के बीच अरुण गोविल का राम के रूप में फिल्मी रूप मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान कराने में सहायक साबित होगा। ऐसा न सिर्फ मेरठ हापुड़ लोकसभा बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर भी इसका असर होगा। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 19 सीटों में अरुण गोविल का पहला और आखिरी वीआईपी टिकट है। अरुण गोविल क्योंकि सीधे पार्टी हाईकमान का पैराशूट लेकर चुनावी मैदान में कूदे हैं, तो पार्टी नेतृत्व इस बात का बराबर हिसाब रखेगा कि कौन अरुण गोविल को चुनाव लड़ा रहा है और कौन नहीं, इसकी बराबर मॉनिटरिंग रखी जाएगी। मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया पर केवल चुनिंदा पार्टी नेताओं ने ही पार्टी नेतृत्व की हां में हां मिलाई है, जबकि बाकी ने इससे बराबर दूरी बना रखी है। यही कारण है कि तभी दाएं बाएं से अरुण गोविल को लेकर तमाम प्रचार किए जा रहे हैं। धारावाहिक रामायण के किरदार से लेकर अय्याश और बिस्तर जैसी सी कैटेगरी के पिक्चर भी यहां गिनाए जा रहे हैं, जिसमें अरुण गोविल ने बतौर एक्टर काम किया है। घोषणा की रात से ही राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जरूर यह संदेश देने की कोशिश की है जैसे वही ही अरुण गोविल का टिकट करा कर लाए हैं। हालांकि वे खुद भी टिकट चाहने वालों की दौड़ में शामिल थे। उन्होंने हस्तलिखित एक नोट भी जारी किया जिसमें अरुण गोविल का मेरठ से संबंध स्थापित करते हुए बताया गया है कि वह संघ परिवार से हैं और श्री रामानंद सागर की रामायण में भगवान श्री राम का रोल निभाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।